हूँ रश्मि प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही क्यूट बन जाती है। 30 मिनट में एक थाली आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आपके घर पे कोई अचानक गेस्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे थाली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दाल, और तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट पहले भिगो के ऐसे रख दिया था। अगर आपको जल्दबाजी है, मेहमान आ रहे हैं, तो आप फटाफट से ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका दाल जो है बहुत फटाफट से बन जाएगा। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं कुकर के अंदर। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल लिया था। यहाँ पे मैं डाल दूंगी अब पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पतला खाना है या जितना आपको थिक खाना है। अब यहाँ पे क्विकली टाइम सेव करने के लिए मैं डाल दूँगी टमाटर। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये प्याज, 2 प्याज लिए थे मैंने और 2 टमाटर लिया था मैंने। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक। अब यहाँ पे डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। बस अब इसके कुकर को बंद कर देंगे। अब तुरंत इसको सीटी लगने देंगे। दिया मैंने कुकर को बंद। अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं फटाफट से। ये मेथड बहुत इजी है दाल बनाने का और बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है दाल। तो चलिए यहाँ पे तकरीबन 2 सीटी हम लगा लेंगे। जब तक दाल बन रही है तब तक हम अपनी सब्जी बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2.5 टेबल स्पून ये ऑयल। इसमें डाल देंगे राई। अब ये राई जैसे ही फूटने लगेगा हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। फिर आइए फूट रही है। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर प्याज। ये प्याज तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने लिए थे। अभी आपको चाहिए तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसको डाल देंगे। अगर इसको आप ऑयल में डाल देंगे ना तो जल जाता है तुरंत, इसलिए इसको मैंने प्याज के साथ डाला है ताकि वो जले ना। तो ये देखिए अब इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने मसाले। ये बहुत एक क्विक सब्जी बनती है, तो फटाफट से अगर 30 मिनट के अंदर आपको सब्जियां बनानी है या पूरा थाली अगर रेडी करना है तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा। ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो मसाले हैं ना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी की क्वांटिटी आपने ली है ना आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा भी मसाले पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, तो वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी ये नमक। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। ये जब तक ये मसाले भून रहे ना तब तक हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल की कुकर हो गई है नॉर्मल। अब इसको कर लेते हैं ओपन। ये मस्त एकदम ये पक चुकी है। अब इसका हम देंगे तड़का। अब तड़के के लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच घी। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये लहसुन कटा हुआ। ये तकरीबन 2 छोटे लहसुन थे मेरे पास, तो वो डाल दिया मैंने। जीरा डाल दूंगी। यहाँ पे राई डाल देंगे। ये ना बहुत ही क्विक मेथड मैं आपको बता रही हूँ। और ये है हींग। हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देता है दाल में। अब यहाँ पे आप चाहें ना तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। अरे अब ये तड़का रेडी हो रही है। हम ये मसाले हमारे भून चुके हैं। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं ये टमाटर। तो देखिए जब कोई मेहमान आता है ना तो हमें बहुत ही फटाफट से करना पड़ता है सब चीज़ें। तो बस 30 मिनट में अगर रेडी करना है ना तो इस मेथड से आप बनाएंगे ना, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उस मेथड से आप 30 मिनट में पूरी थाली सजा देंगे। तो चलिए बस अब ये देखिए तड़का भी रेडी हो रहा है। मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो मिक्स वेजिटेबल बहुत ही अच्छा लगता है सीज़न में। एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि कौन सी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। देखिए यही होता है कि जब कोई आता है ना तो ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको अभी। तो ये देखिए ये अच्छे से भून रहा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी वेजीज, क्योंकि वेजीज पहले से ही कट करके रखी हैं, इसलिए इसको मैंने पानी में अच्छे से रखा है ताकि काली ना पड़ जाए। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं। ये देखिए डाल दिया मैंने यहाँ अपने वेजीज को। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है ना एकदम। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने बिल्कुल अच्छे से ढक के पकाना है। इसको यहाँ पे अच्छे से ढक देंगे। हर 2 से 3 मिनट में आप इसको चेक करते रहिएगा, वरना नीचे से सब्जी जल जाएगी। अब यहाँ पे हो चुका है ये तड़का। इसको मैंने बंद कर दिया था। अब ये देखिए ये डाल दूंगी मैं यहाँ पे अपने दाल के अंदर। इस मेथड से ना आप दाल बनाइए और सब्ज़ी बनाइए, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये दाल कैसी बनी थी। तो चलिए अब इसको सर्विंग बोल में फटाफट से सर्व कर लेते हैं।
यहाँ पे ना मैंने चावल ले लिया है, अच्छे से इसको भिगो लिया था मैंने 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं अब यहाँ पे पानी डाल दिया है मैंने अच्छे से धो के इसको। अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और यहाँ पे सीटी लगने देंगे। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, मैंने 3 कटोरी चावल लिया था, उसके लिए ना मैंने ये देखिए ये जो आपकी लाइन है ना, यहाँ तक अगर ये पानी आता है ना तो समझिए वो बिल्कुल सही क्वांटिटी है पानी का। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो जीरा राइस भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे प्लेन राइस बनाया है। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया था, फिर मैंने सोचा राइस बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी ये हरी कटी हुई धनिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है, बट ऑब्वियस। तो बस ये देखिए मैंने इतनी थिकनेस बनाई है इसकी। अभी आपको चाहिए आप इसे पतला भी बना सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो चलिए दाल को रख देते हैं अब साइड में। तो यहाँ सब्जी के हाल को चेक कर लेते हैं कि सब्जी की क्या कंडीशन है। चलिए ये देखिए अच्छे से कुक हो रहा है सब्जी, हर 2-3 तीन मिनट पे आप इसको अगर चलाते रहेंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल भी सब्जी जलने का जो चांस है ना वो नहीं रहेगा। तो ये देखिए बढ़िया से इसको चला दीजिए। अभी इसको तकरीबन लगेंगे 5-7 मिनट कुक होने के लिए। हाँ देखिए ये राइस मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं कितना एकदम बिल्कुल खुला खुला ये राइस बना हुआ है, चिपका नहीं है, जबकि मैंने न ही नींबू डाला है, न ही मैंने घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ जो पानी का माप होता ना अगर वो आप सही डालेंगे ना तो राइस बिल्कुल अच्छी बनेगी। ये देखिए है ना, तो बस राइस बन चुकी है, तब तक सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, ये ना तकरीबन 7-8 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है अगर आपने वेजेस काट के रखी हैं तो, नहीं तो फिर वेजेस काटने का अलग से आपका टाइम जाएगा। तो अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो फटाफट से वेजेस एक तरफ काटते रहिए और एक तरफ फटाफट से भाजी छौंक दीजिए, बढ़िया बन जाएगी। ये देखिए तो पक चुकी है सब्ज़ी, अब गैस के फ्लेम पे कर देंगे हम ऑफ। तो चलिए अब इसको सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इसको सर्व कर लिया है सर्विंग बोल में और डाल दिया है मैंने ये कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए अब रोटी बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे ना मैंने आटा ऑलरेडी गूंथ लिया था पहले ही, तो बस अब इसकी लोइयाँ बना लेंगे फटाफट से। पहले मैंने सोचा कि रोटी बना देते हैं, फिर मेरे मतलब मुझे ऐसा हुआ कि नहीं अब पराठा ही करते हैं। तो ये देखिए तो अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो पहले इसके ऐसे पेड़े बना लेने हैं हमने, अब चलिए इसके पराठे रोल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है, अब चलिए पराठे को अच्छे से रोल कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे पराठे कोई ट्रायंगल शेप में भी बनाते हैं, पर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे रोज जो रोटी बनाते हैं ना बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, या अगर आपको वो ट्रायंगल वाला चाहिए ना तो आप वो भी बना सकते हैं। तवा हो चुका है हीट, हम यहाँ पे रख देंगे अपने पराठे। बस इसी तरीके से मैं दूसरा भी पराठा बनाऊँगी अपना। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से हो चुका है, अब इसको पलट देंगे ऐसे, इसको ना अच्छे से सिकने देंगे बिल्कुल इस तरीके से भी। अब यहाँ पे ना मैंने लिया है ये घी, आप देख सकते हैं, अब ये मैं ना घी में सेकूंगी पराठे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, पर घी में ना पराठे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैं इसको घी में बना रही हूँ। ये देखिए अच्छे से घी लगा देंगे। बस इसको अच्छे से आप सेक लेना है, हमने ना पराठे बहुत ज़्यादा फ्लिप कर करके नहीं सेकना है, नहीं तो फिर वो कड़क हो जाएंगे पराठे, इसलिए कड़क नहीं करना है हमने सिर्फ सॉफ्ट पराठा चाहिए। तो तकरीबन 1-2 बार आप ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ब्राउन हो चुका है, एक तरफ से ब्राउन अभी होना बाकी है। ये देखिए एकदम मस्त सिक चुकी है मेरी ये पराठा, आप देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। सर्व कर लिया है मैंने ये थाली, दाल सब्जी मिक्स वेजिटेबल है पिकल के साथ, और मिक्स ही पिकल है यहाँ पे, सैलेड मिर्च पराठा और ये राइस। तो ये 30 मिनट्स में बन जाने वाली थाली है, तो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, आप फटाफट से कुछ बनाना चाहते हैं तो ये थाली बेस्ट है। इसके साथ आप छाछ पापड़ ही आपकी चॉइस है आप दे सकते हैं। तो ये देखिए 30 मिनट में बन जाने वाली फटाफट सी थाली बहुत टेस्टी है, और ज़रूर आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।